गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। इन प्रीवियस क्लास वी कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी ऑफ चैप्टर नंबर 3। द चैप्टर नेम इज मिस्टर अय्यर आवर नेबर। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर ई। द क्वेश्चन नंबर ई इज, जो क्वेश्चन नंबर ई है वो है व्हिच प्लांट्स डिड सुबी सेलेक्ट फॉर टेरेरियम। जो सुबी थी उसने कौन से प्लांट सेलेक्ट किए, व्हिच प्लांट यानी कौन से प्लांट डिड सुबी सेलेक्ट, उसने सेलेक्ट किए फॉर द टेरारियम, टेरारियम के लिए कौन से प्लांट सेलेक्ट किए सुबी ने। तो सुबी हैड चूज़न, सुबी ने चूज किए थे, सेलेक्ट किए थे चूज़न टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स, दो टाइप के प्लांट सेलेक्ट किए थे सुबी ने। वन वाज लॉन्ग, एक जो था, जो उनमें से एक प्लांट था वाज लॉन्ग एंड थिन, लंबा था और थिन था, पतला था। विच हैज ग्रीन लीव्स, जिसके क्या थे, ग्रीन लीव्स थी, ग्रीन कलर की पत्तियां थी। एंड अनदर प्लांट, और जो दूसरा प्लांट सुबी ने सेलेक्ट किया था वाज शॉर्ट, छोटा था, विच हैज ब्राइट रेड फ्लावर्स, और उसके क्या थे, ब्राइट कलर के रेड, ब्राइट फ्लावर्स थे, वो भी कैसे थे, रेड कलर के फ्लावर्स थे। समझ में आ गया। और एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन पास्ट टेंस में पूछा गया है, कैसे, विच प्लांट्स डिड, और जहां पे डिड हेल्पिंग वर्ब यूज होती है ना, डिड वो पास्ट टेंस होता है, इसलिए मैंने आंसर में भी वाज का यूज किया है ताकि वो भी पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाए। ये फास्ट की नोट डाउन करो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव करते हैं। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ इज हाउ डिड मिस्टर अय्यर फील, मिस्टर अय्यर को कैसा फील हुआ था व्हेन ही गॉट द टेरेरियम, जब उसको वो टेरेरियम मिला था, वो कांच का जार मिला था जिसमें वो प्लांट्स लगे थे, वो कांच का जार था ना जिसमें वो दो प्लांट उगाए गए थे, किसने उगाए थे, कृष्णा और सुबी ने। तब जब वो उसने, जब मिस्टर अय्यर ने रिसीव किया, तब उनको कैसा फील हुआ, कैसा लगा था, उसके बारे में बताना है। तो मिस्टर अय्यर वाज वेरी हैप्पी, मिस्टर अय्यर वाज वेरी हैप्पी, वे बहुत खुश हुए टू सी द टेरारियम, टेरारियम को देखकर वो बहुत खुश हुए। इट रियली चीयर्ड हिम अप, इट रियली, यह वास्तव में, यह इट एंड यह रियली वास्तव में चीयर्ड हिम अप, उनको चीयर अप करता है, चीयर अप यानी खुशी देता है, हिम अप उनको, टू हैव ए लिटिल गार्डन, टू हैव एनी होना, क्या होना, ए लिटिल गार्डन, एक छोटा सा बगीचा होना इनसाइड द हाउस, एक घर में एक छोटा सा टेरारियम होना, और उसी को क्या बोला गया, लिटिल गार्डन का घर में होना, वो उनको चीयर अप करता है यानी खुशी प्रदान करता है, किनको, मिस्टर अय्यर को। समझ में आ गया, तो एक बार वापस समझ लेते हैं। मिस्टर अय्यर वाज वेरी हैप्पी, मिस्टर अय्यर बहुत खुश हुए थे टू सी, क्या देखकर, सी यानी देखकर, द टेरारियम, वो कांच का जार। इट रियली चीयर्ड हिम अप, ये उनको वास्तव में चीयर अप करता है, टू हैव ए लिटिल गार्डन, क्या होना, एक लिटिल गार्डन का होना इनसाइड द हाउस, हाउस में एक छोटा सा लिटिल गार्डन का होना उनको चीयर अप करता है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपको दो क्वेश्चन जो मैंने आज समझाए ई और एफ, वो नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। थैंक यू बच्चों।